नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे यूपी इलेक्शन के ओपिनियन पोल को लेकर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ओपिनियन पोल सामने आए हैं। इन ओपिनियन पोल को अगर हम आधार बनाते हुए अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर से बनती हुई दिख रही है। जारी ओपिनियन पोल के माने तो उत्तर प्रदेश में अवध और पूर्वांचल इलाके में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि सर्वे के डाटा को माने तो बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि 2017 के नतीजों को देखें तो बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, लेकिन दिसंबर में जारी किए गए आंकड़े अब बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दिसंबर महीने में जो ओपिनियन पोल हुए थे और अब जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं, दोनों के आंकड़े में जो है काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। क्योंकि उस समय के जो ओपिनियन पोल थे, दिसंबर के आंकड़े, उसमें यह बताया जा रहा था कि सपा और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है सीटों को लेकर। और उसी आधार पर हमने देखा भी कि किस तरह से सपा जो है अपने चुनाव प्रचार में रही और अखिलेश यादव ने बस के माध्यम से कैसे चुनावी रैलियों को संबोधित किया। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो एकदम से अलग होते हुए दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर हम सीटों को लेकर देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी की अधिकतम नुकसान हो सकता है। इंडिया टीवी के सर्वे की माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 58 से 62 सीटें मिलती दिख रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और RLD को यहाँ पे 34 से 38 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन BSP के पास 0 से 2 सीटें ही आ सकती है, जबकि कांग्रेस का यहाँ खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात कर ले अवध क्षेत्र की तो यहाँ पर कुल 111 सीटें आती है, जिसमें से बीजेपी गठबंधन के पास 66 से 68 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सपा गठबंधन के पास इस इलाके में 39 से 41 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि BSP के पास यहाँ खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है। जबकि कांग्रेस के पास इन सीटों की अगर हम बात कर लें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के पास भी यहाँ पे जो है कोई सीट नहीं मिल सकता है। अगर हम बात कर लें रोहिलगंज क्षेत्र की तो यहाँ पे 52 सीटों पे चुनाव होना है, जिसमें से 22 से 24 सीटों पर बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है, तो समाजवादी पार्टी के पास यहाँ पे जो है 28 से 30 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस इलाके में बीजेपी गठबंधन को ज़्यादा सपा को जो है वोट मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो इन इलाकों में जो है सपा का वर्चस्व रह सकता है। तो रोहिलखंड का इलाका है जहाँ पे अब तक के ओपिनियन पोल के हिसाब से सपा जो है आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड इलाके में जो है बीजेपी का जलवा एक बार फिर से साफ तौर पर देखा जा सकता है। बीजेपी यहाँ पे लीड कर रही है और बीजेपी को इस इलाके में 16 से 18 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में मात्र यहाँ पे 3 सीटें आती हुई दिख रही है। तो एक तरह से कह लें कि बुंदेलखंड का इलाका, जहाँ बुंदेलियों ने एक तरह से कह लें कि बीजेपी को जनाधार दिया है और सपा यहाँ पे पूरी तरह से साफ होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी इन क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आइए अब सबसे आखिरी में बात कर लेते हैं पूर्वांचल के क्षेत्र को। इस इलाके में बीजेपी और सपा के बीच में कई सीटें ऐसी हैं जहां पे कांटे की टक्कर हो सकती है। कहा जाता है कि पूर्वांचल का ये इलाका है जहां पे उत्तर प्रदेश और बिहार की दोनों सीमाएं जो है वो लगती है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी जो है बीजेपी अलायंस में सरकार है। तो ऐसे में पूर्वांचल के इलाकों को अगर हम देखें तो यहाँ प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है और समाजवादी पार्टी के सहयोग कर रहे ओम प्रकाश राजभर को लेकर ये कही जा रही है कि राजभर के आने के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में OBC कार्ड जो है वो एक मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा था और ओम प्रकाश राजभर को इसी पूर्वांचल के एक सीट से उन्हें विधायक बनाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर ने जो है अपना मूड बदला है और अब जो है वो अपने पुराने सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस यानी कि पूर्वांचल वाले जो इलाके हैं यहाँ पे बीजेपी गठबंधन को जो है 74 से 78 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अगर हम सपा की बात कर लें तो इस गठबंधन को जो है 40 से 44 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अगर हम BSP और कांग्रेस की बात कर लें तो यहाँ 1 से 3 सीटें जो है इन दोनों के खाते में जा सकती है, वो भी 1 से 3 सीटों में BSP को 2 या फिर कांग्रेस को 1, ये हो सकता है। तो इस तरह का रेशियो जो है पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक जो स्थिति अगर हम क्षेत्रवार हिसाब से देखें तो रही
थी, लेकिन अगर हम ओवरऑल सीटों की बात कर लें तो बीजेपी गठबंधन को जो है 242 से 244 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात कर लें तो 148 से 150 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। बीएसपी के खाते में 4 सीटें जाने की बात कही जा रही है, 4 से 6 सीटें जाने की बात कर रही है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात कर लें तो इनके पास भी 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य के खाते में 3 सीटें जाने की बात कही जा रही है। अगर हम ओपिनियन पोल को देखें तो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो है बीजेपी में सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मैजिक आंकड़ा जो है वो बीजेपी अब तक के ओपिनियन पोल के हिसाब से पार करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सपा कई ऐसी सीटें हैं जहां पे सपा का कांटे की टक्कर है बीजेपी के साथ, लेकिन अगर हम देख लें पूरे ओपिनियन पोल को तो इसमें जो है साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी इन खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।